मैं वाओ के लिए सिर्फ एक ही वर्ड्स कहना चाहूँगी, वाओ। और ये जो इन्होंने रखा है टाइटल वाओ टॉक, इट वाज रियली ग्रेट वाओ टॉक है ये, क्योंकि आज यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, और उसी को देख के हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों ने, कितने लोग इंस्पायर होते हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो इन्होंने चुना है और उसका नाम रखा है वाओ टॉक, तो ये हमेशा वाओ ही रहेगा, वाओ टॉक। जी, मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मेरी साउथ मूवी आ रही है और काफ़ी म्यूज़िक वीडियो आने वाले हैं, इज़ ए वेरी बिग म्यूज़िक वीडियो, और इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्लानिंग चल रही हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया में बूम होने वाला है, तो थोड़ा इंतज़ार करिए उसके लिए, करने के लिए। वाओ, क्या कर दिया पठान ने तो पठान आया है तो कुछ तो होना चाहिए। हाँ, अरे वाह, इन्होंने सही बात कही। जितने भी मेरे जो फैंस हैं, सारे इंस्टाग्राम पे हैं या फेसबुक पे हैं या यूट्यूब पे हैं या कोई भी सोशल नेटवर्क पे हैं, तो मेरे फैंस जो हैं इंटरनेशनल भी हैं, डोमेस्टिक भी हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो है यूनिवर्स का प्यार मिलता है। इससे ज़्यादा लकी कौन हो सकता है? तो आई एम वेरी लकी कि मेरे इतने सारे फ़ैन हैं और इतनी सारी कंट्रीज़ में हैं, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई लव यू माई सेल्फ। जी, मेरे लुक के बारे में मुझे जब कोई ये कहता है कि जूनियर कैटरीना कैफ, वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, बट आई एम द पठान, मुझे पठान रहना है और पठान कहने मज़ा आता है। तो इंडस्ट्री के अंदर एक दिन ऐसा होगा कि लोग सिर्फ ये कहेंगे, मिस पठान, मिस पठान, मिस पठान, और कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। तो मैं हूँ मिस पठान, तो कॉल मी मिस पठान, ओके? हेलो एंड थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन, सी यू सून एंड लव यू ऑल। सर प्लीज कुड यू जस्ट नॉट ब्लॉक माय व्यू, थैंक यू। विच कैमरा? दिस वन ना, आई लुक एट। अच्छा, ओके। All the mics fell or what before I got here? Yeah, please, let's not do that. I feel really happy about being here to receive this award, especially because you know, I've been working really hard for the last 3.5 years, and finally to get these kind of awards and get recognized as a social media influencer, as an actor, as an entrepreneur feels really good and it's very motivating. Another question, so you have 1.3 million followers on your Instagram, how do you feel about that? How did you reach the number? I mean, it was consistency, it was a lot of grind, it was a lot of hard work, and just reinventing myself in terms of my look, in terms of my fashion, in terms of just the kind of content. Sometimes I experiment with music, sometimes I put content that is purely beauty, sometimes I put content that is around fitness. So keeping the audience engaged with the variety in terms of your content, and having them something to look forward to so that they feel like they're part of your journey, I think that's the key. And being consistent and valuing your audience, that is also very, very important. Thank you. Oh, yeah.
लंच एंटर तो अवार्ड मिला